हम लोग भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बिग बैंग थ्योरी को डिस्कस करेंगे। देखिए, जो बिग बैंग थ्योरी है वास्तव में ये एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर कभी कभी पूछता है। हम लोग इससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट है जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं, बिग बैंग थ्योरी को देखते हैं। देखिए, बिग बैंग थ्योरी के में माना जाता है कि प्रारंभ में आज से लगभग 15 अरब वर्ष पहले की बात कल्पना की जाती है कि प्रारंभ में ब्रह्मांड में कुछ चीजें नहीं थी, फिर उसमें धूल कण के रूप में कुछ चीजें इकट्ठा होने लगी, धीरे 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 ये एक दूसरे के नजदीक आने लगे, और जब एक दूसरे नजदीक आने लगे तो इनमें गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता गया और धीरे धीरे ये एक बिंदु पर घनीभूत हो गए। समझेगा फिर से, प्रारंभ में धूल कण, हिमानी के कण जो दूर दूर फैले हुए थे, कुछ देर में धीरे धीरे इकट्ठा होते होते एक बिंदु पर आकर एकत्रित हुए, और जब एकत्रित होते हैं तो समझिए ध्यान से, इस समय यहां पर घनत्व जो है सबसे अधिक है। ठीक है, देखिएगा, घनत्व जो है सबसे अधिक यहां पर, घनत्व सबसे अधिक इस बिंदु पर, इसे कहा गया अभिलक्षण बिंदु या विलक्षणता का बिंदु कहा गया। इस समय यहां पर डेंसिटी एनर्जी बहुत ज्यादा है, सारी एनर्जी सारे तत्व एक बिंदु पर इकट्ठा हो गए। समझिएगा, ये बिंदु छोटा सा बिंदु नहीं है, काफी बड़ा, इसका व्यास काफी बड़ा है। उसके बाद होता क्या है कि अत्यधिक एनर्जी एकत्रित होने से इसपे इसमें विस्फोट हो जाता है। समझिएगा, इसमें क्या हो जाता है, विस्फोट, और इस विस्फोट कहा जाता है महाविस्फोट। इसमें हो जाता है महाविस्फोट, जिसे कहा जाता है बिग बैंग। अब समझिए होता क्या है, जब ये महाविस्फोट हो जाता है तो सारी चीजें फिर से फैल जाती हैं। समझिएगा, सारी चीजें फिर से फैल जाती हैं। जब फिर से फैल जाती हैं तो होता क्या है कि ये कण जो है बिखर जाते हैं, और ये जो बिखरे हुए कण थे धीरे धीरे अपने नजदीकी कणों को अपने में आकर्षित करने लगते हैं, और ये जो कण आकर्षित करते हैं, यहीं पे हम जानते हैं कि एक बात और स्पष्ट होती है कि यहां पे जो कण थे, कण अणु थे, वो धीरे धीरे थोड़ा बड़े होते गए, और इनमें हम देखते हैं तो इसमें हाइड्रोजन के नाभिक और हीलियम के नाभिक बनने लगे। यहां पे हाइड्रोजन के नाभिक और हीलियम के नाभिक, समझिए। कारण क्या हुआ कि जब विस्फोट हुआ तो जो कण बने थे, जो कण थे वहां की, जो कि एनर्जी बहुत ज्यादा थी, वो कण जो है एक नाभिकीय रिएक्टर के रूप में कार्य करने लगे थे। उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा, वो कैसा काम करने लगे, नाभिकीय रिएक्टर के रूप में, और वहां से फिर हाइड्रोजन के जो नाभिक थे वहां पे, उनसे हीलियम के नाभिक बनने लगे। समझेगा, हाइड्रोजन के नाभिक और हीलियम के नाभिक, हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिक जब बनने लगे तो कालांतर में काफी समय बीतने के पश्चात इन हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिक से आकाशगंगा की और तारों की उत्पत्ति होने लगी। समझेगा, आकाशगंगा और तारों की उत्पत्ति हुई। समझिए, हम जानते नहीं है वैसे भी कि जो तारे होते हैं उनका 98% भाग लगभग बना होता है किससे, हाइड्रोजन और हीलियम से। ठीक है, देखिए, तो जिसे बिग बैंग कहा गया, ये बिग बैंग थ्योरी जो थी इसको वास्तव में बेल्जियम के एक पादरी थे जिनका नाम था जार्ज लेमेंत्रे, उन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। माना जाता है कि यह सिद्धांत इन्होंने 1927 में लगभग दिया। ठीक है, जांच लेमेंत्रे, समझेगा,
इस घटना के बिग बैंग थ्योरी के लगभग 11 अरब वर्ष बीत गए, लगभग 10.5 अरब वर्ष माना जाता है। तो इतना समय बीतने के पश्चात आकाशगंगा और तारों की निर्माण प्रक्रिया के बाद अगर हम देखें तो इन्हीं तारों के निर्माण से जो जिन पदार्थों की उत्पत्ति हुई थी उन पदार्थों के जुड़ने से ग्रहों की उत्पत्ति होती है, यहीं से ग्रह बनते हैं। ठीक है, समझिएगा, तारे की उत्पत्ति भी यहीं से हुई और ग्रह उपग्रह की उत्पत्ति भी यहीं से हो रही है। अर्थात एक तरह से हम देखें तो हमारा जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति भी इसी बिग बैंग थ्योरी से हुई। ठीक है, ध्यान समझिएगा, तो ऐसे एक बार वीडियो को और देख लेंगे, चीजें क्लियर रहेंगे। तो बिग बैंग थ्योरी जिसका सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटर ने दिया था, इसी बिग बैंग थ्योरी को माना जाता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए जिम्मेवार। ठीक है, हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में हमारे कई तरह के आकाशीय पिंड हैं, उन सभी आकाशीय पिंडों की उत्पत्ति लगभग लगभग इसी प्रक्रिया के पश्चात संपन्न हुई। तो इसलिए बिग बैंग थ्योरी को ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण माना जाता है। ठीक है, कई बार हमारे परीक्षा पूछा गया है उत्पत्ति का कारण क्या है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत माना जाता है बिग बैंग थ्योरी को। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये जो बिग बैंग थ्योरी थी, समझिएगा जरा सा, थोड़ा इसके बाद थोड़ा सा और देखेंगे, जो बिग बैंग थ्योरी थी, महाविस्फोट सिद्धांत था, इसको रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में इसको प्रूफ किया, इसकी व्याख्या भी की कि हाँ ये सही तरीके यही हुआ था। इसकी व्याख्या करते हैं कैसे किस तरह से घटना हुई, तो जो मैंने बातें बताई वो बात इन्होंने भी बताई। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्टीफन हॉकिंग ने भी अपनी किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में जो विलक्षणता का बिंदु था, जहां सारी एनर्जी घनीभूत हो गई थी, एकत्रित हो गई थी, उसके बारे में इन्होंने बताया, कहा कि प्रारंभ में आज से लगभग 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड जो था हमारा एक छोटे से मटर के दाने के आकार का था, बाद में उसमें बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से, बिग बैंग के माध्यम से उसमें जो विस्फोट होता है और उस विस्फोट से जो एनर्जी उत्पन्न होती है, उस एनर्जी से ये ब्रह्मांड फैला और आज अपने स्वरूप में है। तो स्टीफन हॉकिंग ने भी बिग बैंग थ्योरी की पुष्टि की। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एडविन हब्बल की, एडविन हब्बल महोदय ने भी बताया कि जो आकाशगंगा है वो दूर जा रही है, अर्थात हम जानते हैं कि जो आकाशगंगाएं होती हैं, ये इनके बीच की दूरी है बढ़ती जा रही है, समझिएगा, इनके बीच की दूरी बढ़ रही है। और इसके लिए उन्होंने कहा, एक प्रूफ भी किया, कहा कि अगर हम गुब्बारा जो बैलून होता है उसमें हवा भरें तो हम देखेंगे, अगर उस पर हम इस तरह की आकृति बना दें तो हम उसको प्रूफ कर सकते हैं कि जैसे हवा भरते जाएंगे वो फूलता जाएगा और उनके बीच की जो दूरी होती है वो बढ़ती जाएगी। तो एडविन हब्बल ने बताया कि जो आकाशगंगाएं दूर जा रही हैं वो कैसे हो रहा है, ये बताया उन्होंने। उन्होंने कहा कि जब महाविस्फोट हुआ था, बिग बैंग थ्योरी हुई थी, उस समय जो कण थे उनको जो आवेग प्राप्त हुआ था, उसी आवेग के माध्यम से आज भी वो दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, यानी कि दो आकाशगंगाओं के बीच की दूरी जो होती है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, एडविन हब्बल महोदय ने अपने इस विचार से बताया। ठीक है,
और बैलून के माध्यम से उन्होंने प्रूव करने की कोशिश भी की। देखिए बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से ही आप एक चीज और ध्यान रख सकते हैं कि हमारे यहां समय और स्थान की परिकल्पना भी समझिए एक तरह से की गई थी। होता क्या है कि स्थान हम स्पेस किसे कहते हैं, या टाइम एंड स्पेस की बात कर रहे हैं, स्थान की बात, टाइम एंड स्पेस, जब दो कण एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उनके बीच जो जगह होती है उसे ही हम स्पेस कहते हैं, और वो दो कणों को दूर जाने में जो समय लगा वहीं से समय की परिकल्पना की गई, ठीक है, माना जाता है। साथ ही साथ कुछ लोग कहते हैं कि समय स्थान के साथ साथ वस्तु की कल्पना भी इसी समय की गई थी। तो बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से लोगों ने यह कोशिश साबित करने की कोशिश की कि हमारे जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई थी, ठीक है। तो हमने देखा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति देखा बिग बैंग से हुई, तारों की उत्पत्ति देखा, उसमें जो प्राप्त एनर्जी थी, जो परमाणु थे, जो हाइड्रोजन और हीलियम के थे, उनसे तारों बने, और तारों के निर्माण से जो कण प्राप्त हुए थे बाद में उस प्रक्रिया के तहत, उससे ग्रहों की और उपग्रहों की उत्पत्ति होती, ठीक है। और ये भी माना जाता है कि प्रारंभ में जो बने ब्रह्मांड बना उसके कुछ दिन बाद जो है तारे बने 10.5 अरब वर्ष पहले, और ग्रहों की उत्पत्ति तो लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुई, ठीक है। तो ये लंबी प्रक्रिया है जो चल रही है, ठीक है। इसमें हमने देखा कि किस तरह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही है।